शाही पनीर। मैंने लिया 250 ग्राम पनीर, बड़े बड़े तीन प्याज लिया है, ऐसे लंबे लंबे चॉपिंग कर लिया, और तीन टमाटर लिए हैं, और मैं लहसुन लिए हैं 8-10 का लिया। मैंने लिया साबुत 3, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, 2 इलायची, 1 दालचीनी, 2 लौंग और 7-8 काली मिर्च। मैंने लिया चीनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ऑयल लिया मैंने सफ़ेद वाला, कस्तूरी मेथी, और मैंने दूध में केसर डाल दिया, और मैंने 1/2 लीटर दूध गरम कर लिया। मेरा कढ़ाई गरम हो गया तो मैं डाल रही हूँ इसमें तेल सफ़ेद वाला। अभी कढ़ाई गरम हो गया, हल्का हल्का हीट हो गए, मैं डालूंगी इसमें सारे खड़े मसाले। मसाले जलना नहीं चाहिए। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, प्याज को हल्का हल्का लाल करना चाहिए, मैं इसको 2 मिनट तक चलाऊंगी, इसके बाद दूसरे कुछ डालूंगी टमाटर। दो मिनट तक पक चुका है तो मैं अब डाल दिया इसमें टमाटर। टमाटर डाल दूंगा अब, अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी कि टमाटर गल जाए और घुल जाए। मैं इतना डाल दी हूँ नमक, स्वाद अनुसार, कम हो तो बाद में डाल सकते हैं, ज्यादा होने से तो कम नहीं कर सकते ना। क्योंकि इसमें मेरा पूरा खड़ा मसाला गिरा है तो ज़्यादा हम ऊपर से मसाला नहीं डालेंगे, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे गलने के बाद। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट पक चुका है तो मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी लाल मिर्च 2-3 पड़ चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी, चीनी के बिना तो शाही पनीर बन नहीं सकता, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं डालूंगी इसमें मेरी जो दूध गरम किया था उसकी जो मलाई है वो मलाई डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। आप बाद में दूध भी डाल सकते हैं, और नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन मैं तो सोचती हूँ हमारे इसमें काजू नहीं पड़ा है, बिना काजू किए हैं, तो आप इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और जिसके पास क्रीम नहीं है वो दूध से बना सकते हैं, और जिसके पास क्रीम है तो उसके दूध की ज़रूरत नहीं है,
तो हम इसमें बिना क्रीम और बिना काजू के बना रहे हैं शाही पनीर। इसमें हल्दी का जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल हल्दी इसमें डालने की जरूरत नहीं है। अब हमारे मसाले सारे घुल गए तो इसको हम मिक्सर जार में डाल के इसको पीछे पीस लेंगे और छन्नी से जब छानेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। हमने मिक्सी में ये पीस लिया पूरा, तो कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी और हमारी कढ़ाई गरम हो गया, देख सकते हैं। अब मैं इसमें छन्नी की मदद से हमें सब कुछ में डालूंगी, देखिए शाही पनीर से जो मसाला होता है हमेशा छान के दिया जाता है, नहीं तो मुंह में जो दाना आता है वो ठीक नहीं होता। अब हमारे ये पूरा छन चुका है, देखिए साबुत सारे मसाले, अब इसमें सारे मसाले आ गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है तो इसको हम फेंक देंगे। अब सारे मसाले को देखिए इसका कलर कलर और सुंदर होंगे धीरे धीरे। अब मेरे जो बचा कुचा दूध था मैं सारा दूध इसमें ऐड कर रही हूँ, क्यों मैंने कुछ नहीं डाला, काजू वाजू नहीं डाला, तो इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं पूरे। अब ये मेरा मसाला सारे गरम हो रहा है, क्यों धीरे धीरे हम चलाएंगे, क्यों इसमें हमने दूध ऐड किया है, नहीं चलाएंगे तो ये हमारे सब्जी का कलर फट जाएंगे, तो इसमें हमें धीरे धीरे इसको चलाना है। पाँच से छः मिनट हो चुका है हमारे ये मसाले पक गए पूरा, कैसे उबाल आ गए, तो मैं अब इसमें डालूंगी पनीर। मेरा 250 ग्राम पनीर कटा हुआ था, देखिए 250 ग्राम पनीर इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अभी इसको 5 से 6 मिनट तक इसको हमें पकाना है। देखिए हमारी ये पक चुका है, मैंने इसमें बिल्कुल हल्दी नहीं डाला, पनीर डालने के बाद 5 मिनट मैं पका चुकी हूँ और इतना सॉफ्ट है, पनीर को बिल्कुल नहीं फ्राई नहीं करना शाही पनीर में, कभी पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है। और देखिए इसका कलर कलर कितना बढ़िया आ गया, तो मैं अभी इसमें कस्तूरी मेथी डालूंगी। अभी दोनों हाथ से इसको ऐसे मसल के लूंगी और इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी, और मैंने जो केसर रखा था यहाँ पे वो केसर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्यों मेरे पास पड़ा था केसर, तो केसर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए हमारे ये कितने सुंदर कलर आ गए हैं, तो मेरा ये पक चुका है पूरा, अब मैं इसको बंद करूंगी। लेकिन मैंने इसमें केसर डाला है, जिसके पास केसर नहीं है वो नहीं डाले, क्यों मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैंने डाल दिया इसमें। मैं इसको अभी बंद कर रही हूँ। आप